बहुत सारे हमें ऐसे व्यूअर्स के कमेंट्स मिलते हैं जिनको इन्फ्लेमेशन है कि गर्भाशय में सूजन है, इनफर्टिलिटी है, ये सूजन का क्या करें, हम इसे कैसे ठीक करें, क्योंकि वो इंटरनल है तो बाहर से आप क्या कर सकते हो। तो इसको हम आज अच्छे से समझेंगे, इसका नेचुरल एंड होलिस्टिक सॉल्यूशन को भी जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिल, आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश हैं, हेल्दी हैं एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में पॉजिटिव होना। अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली लाइफ में हर जगह आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी का एक रीज़न है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे प्रमुख कारण हाईलाइट होता है जो है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो क्या केवल इसी वजह से PID होती है? नहीं, और भी कुछ रीज़न है। और भी कुछ रीज़न ऐसे हैं कि अगर लंबे समय तक आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको PID हो सकता है। दूसरा है हाइजीन। अगर महिलाएं हाइजीन नहीं रखती, जैसे कॉन्टैक्ट के बाद अपनी बॉडी को क्लीन करना, वॉशरूम जब भी आप जाते हैं तो बॉडी को ठीक से वॉश करना, गीलापन न रहने देना, प्रॉपर क्लीनलीनेस रखना, अपने अंडरगारमेंट्स कॉटन के ही पहनना, क्योंकि कॉटन एयर पास करता है और काफ़ी कम्फर्ट रहता है कॉटन में, और अपने अंडरगारमेंट्स को भी प्रॉपरली सुखाना धूप में और अच्छे से क्लीन करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं हाइजीन से रिलेटेड जो अगर नहीं फॉलो करती हैं तो पुअर हाइजीन की वजह से इन्फेक्शन होता है। और ऐसा नहीं है कि वजाइनल इन्फेक्शन केवल वहीं रहता, वो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ट्रैवल कर जाता है अगर बहुत लंबा रहे तो। इस वजह से भी आपको PID, गर्भाशय में सूजन और इन्फेक्शन रह सकता है। इसका असर ट्यूब्स पर भी पड़ता है और इनफर्टिलिटी होती है इसकी वजह से। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, मौसम बदला नहीं आप बीमार, बार बार आपको इन्फेक्शन होते हैं, या फिर आपकी बॉडी बहुत एसिडिक है, pH जो है बॉडी pH एसिडिक है, तो इन्फेक्शन तो आपको जल्दी होंगे ही होंगे, लेकिन PID के भी रिस्क आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ कारण है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है कैसे जानोगे? वो बहुत जल्दी एसिडिटी होती है, कोई भी एसिडिक जैसे कि टोमेटो ले लिया आपने, ऐसी चीज़ें खाते हो जल्दी से भारीपन होता है, गले में जलन होती है और एसिडिटी आपको होने लग जाती है। तो बॉडी pH को ठीक करने के लिए अल्कलाइन फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करें, एसिडिक फूड को कम खाएं, थोड़े दिन ना खाएं। इन्फ्यूजन्स जो हमने बताए हैं वो अच्छे हैं, मटके का, कॉपर पॉट का आप पानी पिए। लेकिन PID और गर्भाशय में सूजन है उसको दूर करने के लिए क्या उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अब वो आपको मैं समझाऊंगी। प्रकृति ने हमको अजवाइन दी है, अजवाइन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो अजवाइन का वाटर आप बॉइल करके प्रिपेयर कर लें, वॉशरूम में रख लें। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो अजवाइन वाटर से वॉश करें एंड देन कॉटन क्लॉथ से आप अपनी बॉडी को सुखा लें। गीलापन नहीं रहने देना है बॉडी में। आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच धनिया के बीज रात को पानी में भिगाएं, सुबह छलनी से छानकर वो पानी आपको पी लेना है। अगर थायराइड की दवा खाते हैं तो 30 से 40 मिनट बाद वो पानी आपको पीना है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से इन्फेक्शन आपकी बॉडी से कम होगा। और ये रेगुलर पीते रहें, ये ना सोचें कि इस दिन नहीं पीना उस दिन नहीं पीना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसे आप रेगुलर 2-3 महीने तक ले सकते हैं। अगर वजन ज़्यादा है तो आपके वेट को भी अच्छा करेगा, डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। इसके अलावा अजवाइन की धुनी आपको लेनी है, तो चारकोल लीजिए, उसको रेड तपा के एक प्लेट में ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालकर अपनी निचली बॉडी में आपको उसकी धुनी लेनी है। इससे इन्फेक्शन में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हुआ अजवाइन के प्रयोग, खाना और यूज कैसे करना है। इसके बाद प्रोबायोटिक फूड आपको खाने हैं, जैसे इडली, डोसा, आंवली बनाई जाती है साउथ इंडिया में, वो आप ले सकते हैं। जो भी फर्मेंटेड फूड होते हैं वो ले। दही सूट करती है तो दही, नींबू, एक कोई खट्टा फल या जैसे आंवले का जूस, आंवले की चटनी आपको यूज करनी है। ध्यान रहे आंवले का मुरब्बा आपको इसमें यूज नहीं करना है। अब आ जाती है कैस्टर ऑयल की। तो आयुर्वेद ने बताया है कि जो भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं उसमें वात दोष एग्रेवेट हो जाता है, तो वात को दूर करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल है। तो कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल 2 चम्मच गुनगुना कर लें, नाभि के निचले हिस्से पर, पेट पर उसको अच्छे से अप्लाई करें। ध्यान रहे प्रेशर नहीं लगाना है, दबाव देके कोई मसाज नहीं करनी है आपको। कैस्टर ऑयल या फिर निरगुंडी का ऑयल जो यूट्रस के इन्फ्लेमेशन को अच्छे से एड्रेस करता है वो आप यूज कर सकते हैं। गुनगुना करें, अप्लाई कर दें, हाथ से थोड़े देर तक चलाते रहें ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हॉट कॉम्प्रेस देना है आपको, हॉट वाटर बैग, गर्म पानी बॉटल में भर के और थोड़ी सी हल्की हल्की सिकाई करनी है। इससे जब कैस्टर ऑयल बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उसका इफेक्ट आएगा इन्फ्लामेशन, भारीपन, दर्द, पीरियड क्रैम, हैवी मेंसुरेशन, इन सब में आपको आराम मिलेगा।
PID, गर्भाशय में सूजन, इनफर्टिलिटी के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। ना केवल सुने बल्कि इसे फॉलो भी करें। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया है और आप इसे फॉलो करें और स्वास्थ्य लाभ लें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।